keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you come. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल सहरी के वक्त। तो सहरी में मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली बेस पे एक अच्छा फ्रेश न्यू सालन बनाऊँ ताकि सहरी करने में मज़ा आए। तो ये मानो अमदानी सब जाग रहे हैं ऐसे जैसे आज चांद रात है, लेकिन आज चांद रात नहीं है। तो कल फ्राइडे है, एडवांस में सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और मेरी तबीयत बड़ी डाउन चल रही है, बहुत मेरे सर में दर्द रहने लगा है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है बिल्कुल भी एक हफ्ते से। सो फटाफट से चलते हैं, खाना बनाते हैं। आज का भी मैं फ्रेश जो है वो सालन बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग भी चलें मेरे साथ और देखेंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो तब तक मैं आपको मिलवाती हूँ मानो से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं तो व्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं नहीं मिली थी, अब मैं मिल चुकी हूं। अब हम जा रहे हैं किचन में, किचन में देखते हैं आज जी क्या बना रही हैं। तो चलें किचन में मिलते हैं। और जैसे कि आप लोगों को बता चुकी हूं, ये कल है फ्राइडे, तो कल हम लोग ये वेयर करने वाले हैं। ये मानो का ड्रेस है और मेरा है कुछ ये, तो मैं ये पहनूंगी क्योंकि मैंने अपना कोई वाइट ड्रेस बनाया ही नहीं अलविदा के लिए। सो तो अनियंस जो है वो मैंने कट करके रख लिए थे वॉश करके, और ये हमारा लेडी फिंगर। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी, तो फटाफट से भिंडी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए बहुत इजी। और यहाँ पे जो है लो ऑयल ही रखा, तो चलिए ऑयल डालते हैं फिर दिखाती हूँ जी गाइस। तो अब हम फटाफट से डालेंगे। अच्छा भाई, मुझे इसका हिसाब जो है वो पता है, इसलिए मैं यही वाला स्पून यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ इस पे कोई बात ना करें। और भाई मेरी ऑयल की बॉटल भी ज़रा दिखाओ, यहाँ पे रख के ना दिखाओ। कल मैंने ऑयल की बॉटल जो है वो ली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो सो नाइस। तो अब यहाँ पे हमने ऑयल रखा है, ये जल्दी से गर्म होगा, तब तक हम इसमें डालते हैं अपने जल्दी से कट किए हुए अनियंस। बाकी इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, ठीक है? तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा इसको जो है वो सौते करेंगे हम, इसको हमने ब्राउन नहीं करना क्योंकि जब भी हम भिंडी वगैरह बनाते हैं इस तरह की कोई सब्ज़ी, तो इसमें ये डार्क ब्राउन नहीं होती, और इसको हम हल्के से सौते करेंगे। तो जब तक मानो टमाटर कट करिए, इसको हम सौते करते हैं, फिर वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस हमारे जो है वो टमाटर भी कट हो चुके हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च, जो कि मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, ठीक है? और 1 टेबल स्पून इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ करूँगी, इसमें रेड चिली का, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत है नहीं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अच्छा मैं फिर से बता दूँ, हमने टमाटर कट किए, सिर्फ मैंने कुटी हुई मिर्च 2 चमचे यूज़ किए हैं, और थोड़ा सा नमक 1 चमचा, और हमने 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तब तक देखते हैं हमारी प्याज का क्या हुआ। ये हो गई हमारी प्याज, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये। गाइस ये हमारी थ्योरी जो है वो तकरीबन बनने वाली है, जैसे ये बन जाएगी हमें पता ऐसे चलेगा कि अपना ऑयल छोड़ना शुरू करेगी, तो फटाफट से हम इसमें अपनी भिंडी जो है उसको ऐड करेंगे। सो बहुत मज़े का लग रहा है दिखने में। आपने देखा कि मैंने इसमें किसी मसाले का यूज़ नहीं किया सिवाय कुटी हुई मिर्च और नमक के। तो बस अभी ये रेडी होती है, 5 से 10 मिनट हम इसको देंगे, उसके बाद हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। तो ये कलर आया है हमारा फाइनल, और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी लेडी फिंगर। ऐड कर दी, ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
इसको अच्छे से वेल मिक्स करेंगे हम, बाहर नहीं उड़ाना था वैसे, बाहर जो है बाहर पहले उड़ाइए, ठीक है। और हम इसको फिर लो फ्लेम पे बिकॉज कि आज फिर इसको हम रख देंगे, फिर हम इसको दिखाते हैं बनने के बाद। हमारी सैरी जो है वो रेडी हो चुकी है, पराठे मैंने दिखा नहीं, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, और ये हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म भिंडी। तो फटाफट से हम करेंगे सैरी। ठीक है गाइस, सो मैं सो गई थी सैरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो अभी बस आँख खुली है मेरी, जोहर का टाइम हो रहा है मेरी जैसे। आप सबको मुबारक, और फटाफट से जाते चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं।